हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को और अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। तो इसमें एक्जिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया आता है क्या, विल बी शैल बी। और वर्ब का क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आता है ना। ये कंटिन्यूअस है यानी जारी होना, यानी भविष्य में वर्तमान काल ये जो कार्य चल रहा होता है विल बी शैल बी। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, सब्जेक्ट विल या शैल बी जुड़ जाता है। इसमें इंडिफिनिट में विल शैल रहता था, अब इसमें बी ई बी शब्द जुड़ जाएगा। इसके बाद वर्ब में आईएनजी शब्द जुड़ेगा, आईएनजी जुड़ेगा और आईएनजी फॉर्म होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ये एग्जांपल देखिए, अपना काम कर रही होगी। वह अपना काम कर रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस कर रही होगी। हम देखिए कर रही होगी फ्यूचर में, तो बस हमको जो स्ट्रक्चर लिखा गया है इसके अनुसार इसको कन्वर्ट करते चले जाना है। तो सब्जेक्ट पहले लिखना है, सब्जेक्ट हमारा ये वह है, वह के अंग्रेजी क्या होगा ये ध्यान देना है। टीचर बोलते गलती करते, यहाँ देखना है होगा रहता तो ही होता, होगी है तो यहाँ पे क्या होगा सी, ठीक है। तो सी के साथ क्या आएगा, विल आएगा या शैल आएगा। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था सिर्फ आई और विल, आई और बी के साथ जो है शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। तो यहाँ पे विल आएगा, सी विल, ठीक है। तो सी विल, इसके बाद क्या आएगा, विल बी बी ई बी, यहाँ पे लिखेंगे हम सी विल बी। अब यहाँ पे जो है क्या आएगा, वर्ब, वर्ब का आईएनजी। तो वर्ब हमारा क्या है, करना, करना के अंग्रेजी क्या होता है, डू होता है। डू में आईएनजी जोड़ देंगे डूइंग हो जाएगा, डूइंग, सी विल बी डूइंग। अब देखिए यहाँ पे अपना काम आ रहा है, अपना अपना। अब यहां देखना है सी क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सी, और सी का हमें जो है पॉसेसिव केस लिखना है। तो सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा, है ना। तो सी विल बी डूइंग हर वर्क, सी विल बी डूइंग हर वर्क, ये होगा। ओके, ये समझ में आया।
अब इसी पे जो है अभी मिटा नहीं रहा हूँ, इसी पे हम निगेटिव को भी जो है फेस कर लेते हैं। निगेटिव में क्या होगा, बस यहाँ बीच में जो विल और शैल के बाद जो बी आ रहा है यहाँ पे नॉट जो है जुड़ेगा, है ना, विल नॉट बी हो जाएगा या शैल नॉट बी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे ऐसे नहीं जुड़ गया, यहाँ पे नहीं लिख दिया, वह अपना काम नहीं कर रही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सी विल, अब कहीं पे नॉट हो जाएगा बीच में, विल भी जो आ रहा है तो विल नॉट बी हो जाएगा, या सेल आता तो सेल नॉट बी हो जाता। ओके, आई होप अंडरस्टैंड। सी विल नॉट बी डूइंग अ वर्क, वो अपना काम नहीं कर रही होगी, बस इतना ही अंतर है ना। ठीक है, तो हम जो है अब इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप देखिए, विल या शायद पहले आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तब इसके बाद बी आएगा। हाँ, अगर निगेटिव है, इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव है, तो नॉट यहाँ सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट आएगा, इसके बाद बी आएगा, ये याद रखना है, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसके बाद बी आएगा, इतना दूर चला जाएगा बी, विल और शैल से, ये याद रखना, आप लोग इसमें अक्सर गलती करते हो। तो ये हो जाएगा इसको बी, इसके बाद वर्ब में आईएनजी रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा, ये क्या हुआ, अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा, ये सेंटेंस दिया गया है, इसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ओके, ये स्ट्रक्चर जो दिया इस पे आप रखते जाइए, विल या शैल लिखना है क्या की जगह पे, है ना, तो विल लिखेंगे कि शैल लिखेंगे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आई और वी के साथ ही सिर्फ शैल यूज होता है, तो बिना सोचे समझे हुआ है, तो यहाँ पे विल हम लिख देंगे विल। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे हुआ है, हुआ की अंग्रेजी क्या होती है, ही हमने रख दिया, तो विल ही। अब इसके बाद क्या है, निगेटिव भी इसमें दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे नॉट लिखेंगे, इसके बाद बी लिखेंगे ना, विल ही नॉट बी। अब इसके बाद क्या वर्ब आ रहा है, वर्ब का एनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है, याद करना है ना, लर्न, लर्निंग हो जाएगा, विल ही नॉट बी लर्निंग। अब अपना फिर आ गया यहाँ पे पॉसेसिव केस रखना है, किसका, ही का, पॉसेसिव केस क्या होता है, हिज होता है, लर्निंग हिज और पार्ट है लेसन, तो विल ही नॉट बी लर्निंग हिज लेसन, क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा, आई बात समझ में, ऐसे करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप को देखते हैं, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, ये फर्स्ट टाइप रहा, सेकंड टाइप विल सेड
सब्जेक्ट अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, इसके बाद बी लिखेंगे। इसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट ये है। एग्जाम्पल सेकेंड, इसमें भी नहीं मैंने सबका नेगेटिव भी बता रहा हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों। इसमें आपको कंफ्यूजन इसमें होती है, लंबा ये हो जाए ना बी सेल फिर नॉट फिर बी, तो ये नॉट कहाँ रखना है बी कहाँ रखना है, इसमें कंफ्यूजन आपको होता है। इसलिए मैंने साथ में इंट्रोगेटिव वर्ड भी मैंने नेगेटिव वर्ड भी रखा है इंट्रोगेटिव के साथ। तो वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा, डब्ल्यू एच पहले इंट्रोगेटिव वर्ड खोलना है, क्यों वाई है ना वाई, इसके बाद विल सैन, विल सैन क्या रखेंगे, विल रखेंगे क्योंकि वह है, विल मैंने रखा सही तरीके से। तो वाई विल, इसके बाद सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट ही है वाई विल ही, नेगेटिव है तो नॉट रखेंगे, इसके बाद बी रखेंगे नॉट बी। प्लेइंग, इसके बाद क्या आ रहा है क्रिकेट, वाई विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा, ये सेकेंड टाइप का। लेकिन प्रॉब्लम तो हमें होती है थर्ड टाइप वाले में, ये थर्ड टाइप को देखना है, ध्यान से देखना है थर्ड, के बाद नाउन यहाँ पे जो आ जाता है ये प्रॉब्लम खड़ी करता है। बाद विल सेल, इसके बाद सब्जेक्ट ना, इसके बाद अगर नॉट आता है तो नॉट, इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब में आई एन जी, इसके बाद हीरा। एग्जाम्पल देखते हैं थर्ड, लड़के के साथ ये थोड़ा दिक्कत, किसकी पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे, ये रहा सेंटेंस आपका, लड़के किसकी पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे, तो डब्ल्यू एच किसकी अंग्रेजी क्या होती है होज है ना, होज इसके साथ नाउन आया है, तो साथ में जो होते नाउन, अगर नहीं पकड़ पा नाउन क्या है कौन सा है,
नहीं पता चल रहा है तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा आ रहा है उसके आगे वाला साथ वाला जो भी शब्द हो वही नाउन होगा, उसी को साथ में रख देना है यहाँ पे हुज बुक। ठीक है, ये इतना हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया इतना। इसके बाद विल सेल, विल, इसके बाद सब्जेक्ट हुज बुक विल वाज, नेगेटिव है नॉट बी रीडिंग। तो हुज बुक विल वाज नॉट बी रीडिंग, लड़के किसकी पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स ये रहा आवाज का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट करेंगे आप और हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब अगले वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।